बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेक्ट नॉलेज के नासरीन, अस्सलामु अलैकुम। नासरीन, औरत गैर मर्द की तरफ क्यों मुतवज्जे होती है, दूसरे मर्द की तरफ क्यों मारती है, बाहर मुंह क्यों मारती है औरत, तो इस वीडियो में आप जानेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते से गुज़र रहे थे, देखा एक शख्स उदास बैठा सोच रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करीब गए और उसके चेहरे को देखा तो इसके दिल का हाल जान गए, लेकिन उसके इत्मीनान के लिए फरमाने लगे, ऐ बंदाए खुदा क्या सोच रहे हो। उसने कहा, या अली, आप तो दिलों के राज जानते हैं, मैं काफ़ी दिनों से ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करती, मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा उस तरह से एहतराम नहीं करती, तो इसके पीछे क्या वजह है। ये कहना था। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, अल्लाह ने औरत को एहसास की मट्टी से बनाया, तब औरत के वजूद पे उसका दिल हुकूमत करता है, उसके एहसासात हुकूमत करते हैं। औरत अपने रिश्तों और ज़िंदगी को दिल के तराजू में तोलती है। याद रखना, औरत कभी भी अपने मर्द से दूर नहीं होती, बल्कि मर्द का गलत रवैया बाहर मुंह मारने पर मजबूर करता है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो इंसान अपनी औरत की इज्जत नहीं करता, लोगों के सामने उससे बेइज्जत करता है, उसकी इंसल्ट करता है, उसकी छोटी छोटी बातों की तारीफ़ नहीं करता, उसको अपना ग़ुलाम समझता है, तो यूं वो औरत के दिल से अपनी मोहब्बत को मिटा देता है। इतना ही नहीं, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मुंह फेर लेंगे कि ये शख्स अपनी बीवी के साथ ज़ुल्म सितम का सबब बना रहा। वहाँ अल्लाह नमाज़ें मुंह पर मार कर ये कहता है कि हमने तुम्हें निकाह जैसा खूबसूरत रिश्ता अता किया, ये बता कि तेरा तेरी बीवी के साथ सलूक कैसा था। याद रखना, औरत का अपने मर्द से दूर होना अपने मर्द के लिए नफ़रत नहीं, बल्कि अपने मर्द के लिए बगावत होती है। तो वो कहने लगा, या अली, उस बगावत को कैसे ख़त्म किया जाए। हज़रत अली ने फरमाया, उस बगावत को प्यार से ख़त्म किया जा सकता है, इज़्ज़त से ख़त्म किया जा सकता है, एहतराम से ख़त्म किया जा सकता है, एहसास से ख़त्म किया जा सकता है। अपनी औरत को मकाम दो जो वो अपने लिए चाहती है, अपनी औरत को वो इज़्ज़त दो जो अपने लिए सोचती है, अपनी औरत को वो प्यार दो जिसका वो हक तुम पे रखती है। ऐ शख्स, अगर तुमने अपनी औरत को सिर्फ ये चंद चीज़ें दे दी, इज़्ज़त दे दी, एहतराम दे दिया, एतबार दे दिया, मोहब्बत दे दी, तो ज़िंदगी भर तुम्हारी औरत तुम्हारी ही होकर रहेगी। तो नाज़रीन, इस वीडियो का मैसेज भी यही है कि मर्दों को चाहिए कि बाहर मुँह मारने की बजाय अपने घर की औरत को प्यार दें, इज़्ज़त दें, एहतराम दें, मोहब्बत दें, वो इज़्ज़त मकाम दें जिसकी सिर्फ़ वही हकदार है। उसने आपकी नस्लों की परवरिश करनी होती है इससे पहले कि वो बाहर से हमदर्दियाँ समेटे और आपकी इज़्ज़त का जनाजा निकले। खुदारा ख्याल करें। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि जो मर्द हज़रात हैं वो अपनी औरतों की इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे। थैंक्स फ़ार वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।